नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कोविड काल के दौरान रेलवे ने बुनियादी संरचना का विकास करने के साथ ही आय के स्रोतों को भी पुख्ता बनाने के लिए तमाम उपाय किए हैं। इससे रेलवे की आमदनी तो बढ़ी है, लेकिन आम लोगों की जेब पर बोझ भी बढ़ा है। दरअसल रेलवे ने कई पैसेंजर ट्रेनों को अब एक्सप्रेस बना दिया है। ऐसे ट्रेनों को पैसेंजर बनाने के लिए रेलवे ने कोई खास बदलाव भी नहीं किया है। रेलवे ने सीधे सीधे केवल इन ट्रेनों का नंबर बदलकर एक्सप्रेस का किराया वसूल करना शुरू कर दिया है। पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड पर एक ऐसी भी ट्रेन को एक्सप्रेस बनाकर चलाया जा रहा है जो ठीक पैसेंजर ट्रेनों के बराबर समय यात्रा में लेती है। रेलवे ने हाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पटना जंक्शन के बीच चलने वाली एक मेमू पैसेंजर ट्रेन को नियमित तौर पर एक्सप्रेस में बदल दिया है। 13210 PDDU पटना जंक्शन एक्सप्रेस मेमू रैक के सहारे चलती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से खुलकर बक्सर आरा के रास्ते ये ट्रेन पटना पहुंचने में 6 घंटे 55 मिनट का समय लेती है। रेलवे की ओर से घोषित समय सारणी के मुताबिक बक्सर से पटना आने में ये ट्रेन 4 घंटे 4 मिनट का समय लेती है। कई बार ये ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते लेट भी हो जाती है। इसके तुलना में 03262 बक्सर फतुहा मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन इसी दूरी के 4 घंटे 10 मिनट का वक्त लेती है। ये ट्रेन सामान्य तौर पर लेट भी नहीं होती। पटना से बक्सर की ओर वापसी में इस एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार पैसेंजर से भी कम हो जाया करती है। 13209 यानी कि पटना PDDU एक्सप्रेस पटना से बक्सर जाने में 3 घंटे 25 मिनट का वक्त लेती है। इसके तुलना में 03298 मेमू स्पेशल पैसेंजर ट्रेन 3 घंटे 20 मिनट का ही समय लेती है। 03293 पटना PDDU मेमू स्पेशल ट्रेन इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे 35 मिनट का समय लेती है। मेमू ट्रेन की अपेक्षा एक्सप्रेस का किराया सीधे दोगुना है। ये ट्रेन 208 किलोमीटर का सफर पूरा करने में सभी स्टेशनों के साथ ही हाल्ट पर भी रुकती है। आरा के रहने वाले एक शख्स ने कहा कि रेलवे ने किराया बढ़ाने का फैसला लेने पर विरोध की संभावना को देखते हुए पैसेंजर ट्रेन को ही एक्सप्रेस ट्रेन का नाम दे दिया। इस ट्रेन की रेक आज भी मेमू से चलती है। मेमू रेक की ट्रेनों को देखकर आम ग्रामीण पैसेंजर ट्रेन ही समझते हैं और ऐसे में वे पैसेंजर ट्रेन का टिकट लेकर ट्रेन में सवार हो जाते हैं और पकड़े जाने पर जुर्माना भी वसूला जाता है। ऐसे में ट्रेन को एक्सप्रेस का नाम तो दे दिया गया, लेकिन अभी ये ट्रेन बैलगाड़ी की रफ्तार से चल रही है, जिससे न सिर्फ लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, बल्कि लोगों का समय भी दोगुना खर्च हो जाता है और तो और लोगों से किराया वैसा ही वसूला जाता है जैसे कि एक्सप्रेस ट्रेनों में लिया जा रहा है। सिवाय इसके और कुछ भी नहीं बदला है, ना तो ट्रेन की रफ्तार बदली है, ना ही समय से पहुंचने का कोई भी हालात बदला है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।